इस वक्त देश में महिला आरक्षण बिल लाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है, लेकिन इस बिल में एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए कोटे के अंदर कोटा नहीं होगा। वंचित वर्गों की ओर से इसे सवर्ण महिला बिल कहा जा रहा है। जय भीम, मैं हूं एआई एंकर प्रज्ञा और आप देख रहे हैं द न्यूज बीट। आगे इस वीडियो में आप देखेंगे महिला आरक्षण से जुड़ी अहम खबर। द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी सत्तन वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश के नए संसद भवन में चल रहे विशेष सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया, लेकिन विडंबना देखिए, एक दलित कानून मंत्री के हाथों एक ऐसा बिल पेश किया गया जिसमें दलित, आदिवासी और ओबीसी महिलाओं के लिए कोटे के अंदर कोटा नहीं दिया गया। एससी एसटी महिलाओं को पहले से ही आर्टिकल 330 और 332 में दलित आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों के अंदर ही समेट दिया गया है, यानी जो सीटें अभी तक एससी एसटी के लिए आरक्षित थी उसी के अंदर एससी एसटी की महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा, जबकि 33% महिला आरक्षण के अंदर अलग से उन्हें कोई कोटा नहीं दिया गया। खासकर ओबीसी महिलाओं के लिए तो इस बिल में कोई प्रावधान नहीं है, यानी खुद को ओबीसी माँ का बेटा कहने वाले पीएम मोदी ने ओबीसी महिलाओं को संसद से बाहर रखने का मुमकिन प्रयास किया है। मोदी सरकार के नारी शक्ति वंदन अधिनियम में महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान है। द कॉन्स्टिट्यूशनल 128th अमेंडमेंट बिल 2023 अगले 15 सालों तक महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करता है, लेकिन संसद चाहे तो इसे आगे भी बढ़ा सकती है, लेकिन मोदी सरकार का ये बिल वंचित वर्गों की महिलाओं के हित में नहीं है। अगर किसी सवर्ण पुरुष की जगह किसी सवर्ण महिला को पद पर बैठा दिया जाए तो इससे दलित और वंचित वर्गों की महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं आता और सुधार आने की कोई गारंटी भी नहीं होती। जिन तकलीफों से दलित पिछड़ी महिलाएं गुजरती हैं, सवर्ण महिलाओं को उनका अंदाजा तक नहीं होता। सवर्ण महिलाएं तो सिर्फ जेंडर की मार झेलती हैं, जबकि दलित महिलाओं को जेंडर और कास्ट दोनों की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। एक महिला सिर्फ महिला नहीं होती, महिलाओं की भी जाति होती है। उसकी जाति की वजह से उसके साथ तमाम तरह के भेदभाव होते हैं। जब एक दलित महिला खेत में काम करने जाती है तो उसके साथ यौन हिंसा होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि उसे महिला होने के साथ साथ जाति की मार भी झेलनी पड़ती है। इसलिए सारी महिलाओं का दुख एक जैसा नहीं होता। इसलिए जब भी महिला आरक्षण बिल की बात उठती, वंचित वर्गों से आने वाले नेता संसद में कोटा विद इन कोटा की मांग करते थे, इसलिए ये बिल पास नहीं हो पाया था। लेकिन मोदी सरकार के पास संसद में पर्याप्त वोट हैं और कई पार्टियां एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को कोटे के अंदर कोटा दिए बगैर भी इस बिल का समर्थन करने का ऐलान कर चुकी हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी कोटे के अंदर कोटे की मांग तो की, लेकिन प्रावधान नहीं होने पर भी इस बिल का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। और आज इस नए संसद भवन में केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत किया जाएगा। यह ऐसी मीडिया में काफ़ी आम चर्चा है, जिसके पक्ष में बीएसपी सहित अधिकांश पार्टियां भी अपना मत देंगी, ऐसी भी पूरी संभावना है। अन्य पार्टियों के बारे में भी ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा, जो ये अभी तक लंबे अरसे से लटका हुआ था। इसके साथ ही हमारी पार्टी यहाँ ये भी कहना चाहती है कि यदि आज आ रहे महिला आरक्षण बिल में हमारी पार्टी की इन मांगों पर अमल नहीं किया जाता है तो भी ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी आज संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले महिला आरक्षण बिल को फिर भी इसे समर्थन देगी व पास कराने में पूरी मदद करेगी, क्योंकि यहाँ सभी जाति व धर्मों की महिलाओं को हर मामले में पुरुषों की तुलना में अभी तक भी काफ़ी पिछड़ा बना के रखा गया है। संसद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कोटे के अंदर कोटे की बात की, लेकिन जब कांग्रेस खुद ये बिल लेकर आई थी तब कांग्रेस ने दलित वंचित वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं दिया था।
यानी एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस के महिला आरक्षण विधेयक में कोई अंतर नहीं है। अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहाँ के महिलाओं को नहीं मिलता, और अगर वो अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। क्यों अन्याय होगा कि चुन चुन के लोग ऐसा करते हैं हमेशा लेडीज़ के लिए, यानी बैकवर्ड क्लास के लेडीज़ में, शेड्यूल कास्ट लेडीज़ में उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी लिटरेसी ये भी साक्षरता भी कम है। वो कम रहने के वजह से और सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, मैं एक पार्टी बोल के नहीं बोलता, सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमज़ोर महिला को दे देते हैं, जो सक्षम है, जो लड़ सकती है। अरे सुनो तुमको, अरे अरे आप टिकट 1/3 टिकट देते वक्त बैठिए, यहाँ 1/3 की बात चल रही है। यहाँ 1/3 की बात चल रही है। मुझे मालूम है शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को किस ढंग से पार्टियां चुनती है। मैंने तो वो बोल रहा हूँ। बीजेपी कह रही है कि महिला तो महिला होती है, एक महिला और दूसरी महिला में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए इस बिल में कुछ भी गलत नहीं है। I speak on behalf of all our women. We've all been empowered by our party, by our Prime Minister. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी is an empowered woman. Every MP of my party is an empowered woman. To make a sweeping statement, it might represent their party, although it had had women presidents for their party. In spite of that, they can't have women who are empowered. But I object to him Please. Making a sweeping generalization of all parties. भारत एक जाति प्रधान देश है और यहाँ बहुत सी चीजें जाति के हिसाब से ही तय होती है। महिलाओं की भी जाति होती है। कुछ महिलाओं के लिए उनकी जाति कई तरह के प्रिविलेज लाती है, तो कई महिलाओं के लिए उनकी जाति एक समस्या बन जाती है। दलित आदिवासी महिलाएं सवर्ण महिलाओं की तुलना में औसतन 14 साल पहले मर जाती हैं, क्योंकि उन्हें ना सही से पोषण मिल पाता है और ना ही आराम। वो ज्यादा मेहनत का काम करती हैं, उनके पास सैनिटेशन की पर्याप्त सुविधा भी नहीं होती, प्रसूति की भी सुविधा कई बार नहीं होती, जबकि सवर्ण महिलाओं के पास कई तरह के जातीय विशेषाधिकार होते हैं। इसलिए महिला आरक्षण में SC/ST/OBC महिलाओं के लिए कोटा विद इन कोटा होना ही चाहिए, वरना ये बिल सिर्फ सवर्ण महिला आरक्षण का बिल है, जिससे वंचित वर्गों की महिलाओं को कोई फायदा नहीं होगा। अगर मोदी सरकार वाकई में हर तबके की महिलाओं को सशक्त करना चाहती है तो उसे महिला आरक्षण बिल में वंचित वर्गों की महिलाओं को अलग से आरक्षण देना ही चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय लिखें। वीडियो को शेयर करें और द न्यूज बीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।